तो बच्चों, हमने आपके विज्ञान का पहला पाठ पूरा कर लिया था। भोजन यह कहाँ से आता है, यह पाठ हमने समझ लिया था। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। मुझे आशा है इनमें से ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर आपको खुद भी देना आएंगे, लेकिन जिनके नहीं आएंगे वो आप यहाँ अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो बच्चों, हम इस चीज़ को जान चुके हैं कि सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। सभी जीवों को अलग अलग प्रकार का भोजन चाहिए होता है, और उनके भोजन ग्रहण करने की जो आदत है या जो प्रवृत्ति है, उसके अनुसार जीवों को अलग अलग प्रकारों में भी बांटा जाता है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे देंगे? हम यह कहेंगे कि नहीं, सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। और साथ ही आप तीन प्रकार जो हैं जंतुओं के, उनको भी बता सकते हैं कि भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में बांटा जाता है। शाकाहारी वे जंतु हैं जो भोजन में सिर्फ पादप पदार्थों को या पादपों को ही ग्रहण करते हैं। मांसाहारी वे जंतु हैं जो भोजन के रूप में अन्य जंतुओं को ग्रहण करते हैं। और सर्वाहारी वे जंतु हैं जो पादप उत्पाद और अन्य जंतु दोनों को खाते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ लिखे हैं, जैसे शाकाहारी जंतुओं में गाय, हाथी, खरगोश, घोड़ा प्रमुख है। मांसाहारी में शेर, बाघ, छिपकली मुख्य हैं। सर्वाहारी के कुछ उदाहरण कुत्ता, बिल्ली, कौवा, मनुष्य हैं। तो ये बात तो आपको अच्छे से याद हो गई होगी बच्चों। अब आगे चलते हैं, पांच पौधों के नाम लिखिए और बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। बच्चों, हम ये जानते हैं कि पौधे के अलग अलग भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। आप में से कई बच्चे आसानी से बता पाएंगे कुछ पौधे और उनके भाग जिन्हें हम खाते हैं। यहाँ हमने पांच उदाहरण लिए हैं, आप इनसे अलावा भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं। अपने मन में अगर आपको आए कि नहीं, ये वाला पौधे का भी तो ये भाग खाया जाता है, तो आप उसको भी अपनी कार्यपुस्तिका में लिख सकते हैं। तो बच्चों, आम का क्या खाया जाता है? फल खाया जाता है। पालक की पत्तियां खाई जाती हैं, ये बात हमने पढ़ी भी थी। आलू का जो भाग हम खाते हैं, आलू के पौधे का जो भाग हम खाते हैं, वो क्या होता है? उसका तना होता है। बच्चों, ये एक आश्चर्यजनक जानकारी है जो आपको याद रखनी है कि आलू का जो हिस्सा, जो आलू आप खाते हैं, वो वास्तव में आलू के पौधे का तना होता है। अब प्याज की बात करें तो प्याज का जो हिस्सा हम खाते हैं, वो प्याज की जड़ होती है। उसके बाद गेहूं, जिसका आप रोटी खाते हैं, गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं ना आप, तो गेहूं का जिसका आटा बनता है वो क्या होता है? बीज होता है। तो ये पांच मैंने उदाहरण आपको बताए हैं, आप कुछ और उदाहरण भी सोच सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, कॉलम एक और कॉलम दो का मिलान करना है। कॉलम एक में कुछ चीज़ें दी हैं और कॉलम दो में कुछ चीज़ें लिखी हैं। कॉलम एक में दिया है दूध, दही, पनीर, घी। फिर लिखा है पालक, फूलगोभी, गाजर। फिर लिखा है शेर और बाघ। फिर लिखा है शाकाहारी। तो आप इनको किससे मिलाएंगे? कॉलम दो से मिलाएंगे। मुझे आशा है आप में से सभी बच्चे इस प्रश्न को बिल्कुल सही तरीके से कर पा रहे होंगे। हम आगे देखते हैं बच्चों कि इसका उत्तर कैसे करना है। दूध, दही, पनीर, घी क्या है? सारे के सारे जंतु उत्पाद हैं।
पालक, फूलगोभी, गाजर, ये सारे सब्जियां हैं। शेर और बाघ क्या करते हैं? दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी क्या होते हैं? ऐसे जंतु जो पादप और पादप उत्पाद ही खाते हैं। तो बहुत आसान प्रश्न था बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मजा आएगा आपको इसको हल करने में। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बेटा कुछ शब्द दिए हैं यहाँ, शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना और मांसाहारी। फिर खाली स्थान दिए हैं, कुछ कथनों में खाली स्थान दिए हैं। जैसे पहला कथन, बाघ एक रिक्त स्थान है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। ऐसे ही अगले चार कथन में भी कुछ ना कुछ रिक्त स्थान दिए हैं। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए इसे रिक्त स्थान कहते हैं। तोता केवल रिक्त स्थान उत्पाद खाता है। जो रिक्त स्थान हम पीते हैं वह गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है इसलिए यह जंतु उत्पाद है। हमें चीनी रिक्त स्थान से मिलती है। ये प्रश्न बहुत आसान था बच्चों, हम इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए, बाघ क्या है? एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद ही खाता है, तो ये क्या हो गया बच्चों? शाकाहारी हो गया। तोता भी केवल क्या खाता है? पादप उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं वो हमें किस किस से मिलता है? गाय, भैंस या बकरी से मिल सकता है। हमें चीनी कहाँ से मिलती है? गन्ने से मिलती है। बहुत आसान प्रश्न थे ना बच्चों, तो हमने आपका पहला पाठ समझ लिया है, पढ़ लिया है और साथ के साथ अभ्यास प्रश्न भी हल कर लिए हैं। अगली कक्षा में हम विज्ञान का दूसरा पाठ शुरू करने वाले हैं, आप सभी तैयार रहिए, वो पाठ भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।